हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपैरिजन करेंगे पोको M2 प्रो में और एमआर रेडमी नोट 9 प्रो में और देखेंगे कि दोनों में से कौन सा फ़ोन है बेस्ट आप लोग के लिए। दोनों फ़ोनों में ज़्यादा अंतर तो नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्ले से। तो दोनों फ़ोन के डिस्प्ले सेम है, 6.67 इंच की। दोनों फ़ोन का रेजोल्यूशन भी सेम है, 1080 पर 2400 पिक्सल। और दोनों ही फ़ोन में IPS LCD डिस्प्ले का यूज़ किया गया है और दोनों ही फ़ोन में आपको बीच में ही पंचो डिस्प्ले मिलती है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो दोनों का सेम है, स्नैपड्रैगन का है 720G का। दोनों का CPU है 2.3 GHz ऑक्टा कोर का। दोनों ही फ़ोन में 8 नैनोमीटर का फिनफैट और दोनों का GPU है 618 का। आप दोनों ही फ़ोन में अच्छे से गेमिंग कर सकते हो। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों का सेम है एंड्रॉयड 10। बात करते हैं बैक कैमरे की, तो पोको का बैक कैमरा क्वाड में है 48+8+5+2 MP का और MI का बैक कैमरा क्वाड में है 48+8+5+2 MP का। दोनों फोन के बैक कैमरा में भी माइक्रो कैमरा में अंतर है। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, दोनों का सेम है 16 MP का और दोनों का ही आपको पंच और डिस्प्ले एक साथ मिलता है। बात करते हैं बैटरी की, तो पोको में है 5 mAh की, MI में है 5020 mAh की और दोनों फोन में बैटरी नॉर्मल है। आप दोनों की बैटरी को निकाल सकते हैं, दोनों फोन की बैटरी में ज़्यादा फर्क नहीं है। बात करते हैं चार्जर की, पोको में है 33 वाट का, MI में 18 वाट का फास्ट चार्जर। दोनों में टाइप सी का सपोर्ट दिया गया है और 3.5 दोनों फोन में दिया गया है। बात करते हैं सिम की, तो आप दोनों फोन में 2 सिम 7 MB का डाल सकते हो। फेस अनलॉक भी दोनों फोन में दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोनों फोन में दिया गया है और कनेक्टिविटी दोनों में 3G 4G के हैं और वारंटी सेम है 1 साल की। बात करते हैं ग्लास की, दोनों में सेम है, गोरिल्ला का है, 5 प्रोडक्ट से बना हुआ है फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड। बात करते हैं कलर की, तो पोको में कलर है ब्लू, ग्रीन और ब्लैक और MI में है ब्लू, वाइट और ब्लैक और वेट दोनों का सेम है 209 ग्राम। बात करते हैं रैम की, तो पोको में रैम है 4 GB और 6 GB की, MI में भी 4 GB और 6 GB की है। बात करते हैं मेमोरी की, दोनों में सेम है 64 GB और 128 GB की। बात करते हैं प्राइस की, तो पोको का प्राइस है 4 GB और 64 GB का 13,999 रुपये, MI का भी यही है। पोको का है 4 GB और 64 GB का 14,999 रुपये, MI का है 6 GB और 128 GB का 15,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन से कौन सा फ़ोन पसंद है कॉमेंट में जरूर बताना। दोनों फ़ोन में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही फ़ोन आप ले सकते हो, दोनों ही फ़ोन बढ़िया है। इस प्राइस रेंज में आप दोनों में से कोई भी एक फ़ोन ले सकते हो, दोनों ही फ़ोन बढ़िया है। और दोनों फ़ोन से फ़ोन लेने से पहले आप प्राइस देख लेना, क्योंकि प्राइस कम बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। जब मैं वीडियो बना रही थी प्राइस यही था कि आप जब फ़ोन लो तो प्राइस कम हो गए, तो प्राइस देख लेना।